हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मंजीत, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ दिन के बाद आज अपने छत पे गार्डन पे आई हूँ। आज मेरे को 10-12 दिन हो गए हैं, कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया था, तो छत का क्या हाल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर तो काफ़ी अच्छे सारे निकल आए हैं, क्वांटिटी में है। और ये मेरे नेनुए का प्लांट है, ये देखिए नेनुआ तो लगा हुआ है, साथ साथ प्लांट्स भी काफ़ी जगह से कुछ मुरझा भी गए हैं, और कुछ कुछ नेनुए मेरे इतने बड़े हो गए हैं कि ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं और काफ़ी 3-4-5 लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो गए, इतने मोटे हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ इसका क्या करूँगी। ये देखिए, बाकी बैगन का भी हाल प्लांट का बहुत बुरा है, पूरा मेरा प्लांट तक तक ख़राब हो गया है, काफ़ी येलोइश हो गया है, इसकी ग्रीन भी सारी ख़त्म हो गई है और प्लांट्स में काफ़ी कीड़े भी लग गए। ये देखिए फ्रेंड्स, बैगन दो, हालांकि दो बैगन लगे हुए हैं इसमें, इनको मैं निकाल लूँगी। और लेकिन पूरी प्लांट की हालत बहुत ख़राब हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तुलसी का प्लांट अच्छा बढ़ गया है, ये देखिए काफ़ी घना भी हो गया है। और ये भिंडी जो मैंने हटाई थी, इसमें से काफ़ी भिंडी निकल तो आई है, और बीज जो मैं डाल के गई थी, ये बीज अभी तक स्प्राउट नहीं हुए हैं, पता नहीं क्या कारण है स्प्राउट नहीं हुए हैं, क्योंकि पीछे से काफ़ी धूप, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बारिश आज ही हुई है जिस दिन मैं आई हूँ। तो गार्डन का हाल तो बहुत बुरा है, बाकी प्लांट्स जो हैं काफ़ी सारे अच्छे खिल गए हैं, घास उस भी काफ़ी निकल आई है, अब पूरी ये सारे प्लांट्स में घास निकल आई है। और एक ये देखिए कबूतर भी छत पे आगे है, बहुत बिखरा पड़ा है मेरा बगीचा, इसको पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी दोबारा से, पूरा से रिकंस्ट्रक्ट। ये देखिए कितनी घास निकल आई है, छोटे छोटे जंगली पौधे निकल आए हैं। और ये चीकू का प्लांट खिलखिलाता हुआ मुस्कुराहट में मेरा स्वागत करते हुए, तो प्लांट्स जब मुस्कुरा के स्वागत करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं बहुत। और इतने दिन के बाद अपने प्लांट्स को देख के हम लोग के चेहरे पे खुद भी मुस्कुराहट आ जाती है। ये देखिए आम का प्लांट, इस पर बौर निकल आई है, ये देखिए उनको देख के बहुत खुशी जो मिलती है उसका जवाब नहीं है। ये अनार है, अनार में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ गई है, और एक छोटी सी प्यारी सी कली मुस्कुराती हुई, अच्छा एक तो इसमें कलियाँ और भी खिल गई हैं देखिए फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये मेरे फर्स्ट वाले क्यारी का हाल देखिए, तुलसी पौधा तो काफ़ी ग्रोथ कर गया है, और एक छोटे छोटे पालक के पत्ते थे वो अब अच्छे बड़े बड़े पौधे में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये मेरा कद्दू मुस्कराता हुआ वेलकम करता हुआ, दो कद्दू इसमें उसको मेरे दिखाई दिए हैं वेजिटेबल्स में, कद्दू भी हो गया, नेनुआ भी है। लेकिन जिस तरह से प्लांट्स की ग्रोथ और देखभाल होनी चाहिए थी मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं खुद ही बाहर गई थी। और ये देखिए गेंदे का फ्लावर कितना अच्छा भरा हुआ है, और कलियाँ भी इसमें आनी शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को काफ़ी नुकसान हो गया है, मैं देखती हूँ उसको कहाँ से मैनेज कर पाती हूँ। वहाँ से काफ़ी घास निकल आई है, काफ़ी स्ट्रॉबेरी लगी तो हुई है लेकिन घास काफ़ी है, उसको भी सब क्लियर करना पड़ेगा। और जुकीनी जो मैंने अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से जुकीनी का पौधा लगाया था, काफ़ी अच्छा बड़ा है, और जुकीनी आई है कि नहीं आई है ये, इसके फ्लावर्स तो दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जुकीनी भी लगता है छोटी छोटी दिखाई दे रही है आपको, अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिए इसके छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़ा ग्रोथ हो गया है। और एक ही ये प्लांट है तो अभी तक जुकीनी का मुझको बड़ी ग्रोथ दिखाई तो नहीं दी है, छोटे छोटे इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, और ये फूल गोभी अच्छी खिलती हुई। बाकी ये मेरा पुदीने का प्लांट,
बगल में एक और मैंने लगाया था गेंदा, वो भी अच्छा खिलता हुआ। और ये करेले की ग्रोथ देखिए कि इसमें लगी हुई है, क्यारी में सेटिंग नहीं कर पाई थी जाने से पहले, उसको मैंने सोचा था लगा दूंगी ताकि बेल उसमें टेरिस पे ये लग जाए, लेकिन इसको अब सेटिंग करूँगी। इसमें देखिए ग्रोथ इसमें शुरू हो गई है, लेकिन ये इसको नेनुआ लग रहा है, करेले की ग्रोथ करेला तो नहीं लग रहा है, नेनुआ लग रहा है। फ्लावर्स जो इसमें निकले हैं करेले की शक्ल नहीं लग रही है, नेनुए की शक्ल लग रही है। तो देखती हूँ, इसमें करेला भी है नेनुआ भी है, तो करेले की ग्रोथ तो कहाँ छुप गई है, वो नेनुए की ग्रोथ हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हाल तो बुरा है और एक दो दिन सेटिंग करने में लगेगा मुझको, सारी इसकी घास जो इसमें निकली हुई है वो सब क्लियर करनी पड़ेगी। और ये मैंने आपसे जो पूछा था इसका प्लांट का नाम क्या है पता नहीं, लेकिन ये पूरी फैल गई है, अब इसको मुझको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी संख्या में फैल गई, और ये अगर फैल गई तो मुझको लगता है इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बैगन है, एक और बैगन है उसको भी मैं तोड़ लेती हूँ, लेकिन बैगन का पेड़ जो है वो ख़राब हो गया है, अब इसको मुझको ठीक से रिपेयर करना होगा, इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। अभी दोबारा से ठीक हो पाता है नहीं हो पाता है ये मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल पाऊँगी। ये देखिए मैंने अभी ये नीलवा तोड़ा है, दो बैगन तोड़े हैं, थोड़ी भिंडी तोड़ी है, एक नेनुआ और है जो मैं, दो नेनुआ और है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ सामने में मेरे हैं। देखिए इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, साइज अच्छा बड़ा बड़ा है, और एक और है वो भी मैं कट कर ले। देखिए सारे नेनुए कट हो गए हैं, और ये भिंडी है जो काफ़ी ऊँची गई हुई है, इसको शेड को भी क्रॉस करके ऊपर गई हुई है, भिंडी उसको लेनी है। एक और है उसमें इतना ऊपर हो गया भिंडी का ये पौधा कि हाथ भी नहीं पहुँचता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो शेड है इसको भी क्रॉस करके ऊपर है, भिंडी दिखाई भी नहीं दे रही थी मुझको। तो ये मेरा हार्वेस्टिंग इतनी हो गई है, और अभी भी कोहरा तो लगा हुआ है, कोहरा मैं एक दो दिन के बाद तोड़ूंगी, बाकी सब प्लांट्स में मैं अभी पानी दे देती हूँ। ग्रोथ भी अच्छी है, सदाबहार का फूल बहुत अच्छा खिलखिला रहा है, ये देखिए हर एक फ्लावर पे दो दो तीन तीन कलियां फ्लावर्स खिल रहे हैं गुच्छों में। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये बिखरा बिखरा सा बगीचा कैसा लगा, इसकी सेटिंग करूंगी फिर उसके बाद, फिर आपको अच्छे से सेटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देंगे, आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय।